वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। हो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे एरोमेटिक एसिड्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और वो चाहे क्वेश्चन बन जाए उसके एसिडिटी से, या इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड, या फिर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको हम वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, वो है हमारा टॉपिक बेंजोइक एसिड। पिछले ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है बेंजोइक एसिड, उसके स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन। डेट मीन्स आपको बेंजोइक एसिड कैसे भी करके अच्छे से कवर अप करना है। सो गाइस, तो पहले मैं तो आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा, ताकि ये जो यूनिट है, ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एरोमेटिक एसिड्स के बारे में बता देता हूँ और एसिडिटी उसके, सो उसके बाद ही हम लोग बेंजोइक एसिड को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो एरोमेटिक एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। तो जो ये एरोमेटिक एसिड आप गाइस देख रहे हो, एरोमेटिक का मतलब क्या समझे हम लोग, कि क्लोज स्ट्रक्चर हो, हकल से रुको फॉलो करे, और एग्जांपल में हम ले लेते हैं बेंजीन को। और एसिड, एसिड मतलब क्या होगा, क्या जो हमारा एरोमेटिक एसिड, यानी हमें एक जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, COOH, वो हमारे अटैच हो जाए एरोमेटिक रिंग के ऊपर, तो ये बन गया एरोमेटिक एसिड। तो मैं अगर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं गाइस, तो ये रहा, जैसे कि मैंने बेंजीन रिंग ये फॉलो किया और ये मैंने बना लिया एरोमेटिक कंपाउंड, और ये एसिड, डेट मीन्स मैंने यहाँ पे COOH लगा दिया, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक एसिड। और भी होते हैं, जैसे ये तो हमारा हो गया बेंजोइक एसिड, अगर मैं नाम लिखूं तो बेंजोइक एसिड। और ये दूसरा जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ गाइस, इसमें भी मैंने ऊपर COOH लगा दिया, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, और मैं यहाँ पे इस सेकंड पोजीशन पे लगा देता हूँ मैं OH ग्रुप। तो ये हमारा क्या बन गया गाइस, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, स्पेलिंग गाइस देख लेना। और स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके और भी पॉइंट्स के बारे में, बट उससे पहले आपको डेफिनेशन जो लिखनी है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आप अच्छे से लिख सकते हो, और स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। तो एरोमेटिक एसिडिटी हम देख रहे हैं एरोमेटिक एसिड्स का, तो वो भी हम लोग बहुत ही सिंपल में देखेंगे, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी टॉपिक क्लियर हो जाए, अच्छे से एकदम समझ भी आ जाए और फिनिश आउट भी हो जाए जल्दी से। तो हम लोग टॉपिक डाल देते हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो गाइस हमने पिछले वीडियो में समझा था, और मैंने बताया भी था आपको गाइस, ऐसे कंपाउंड जो रिलीज करे H+ आयन को, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और गाइस उनकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, एसिडिटी उतनी इंक्रीज होती है। तो पहला पॉइंट में तो ये हमने समझ लिया। और गाइस जैसे कि यहाँ पे मैंने, अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे अभी आपको मैंने बताया एक एरोमेटिक एसिड, यानी हमारा जो बेंजोइक एसिड का मैंने एग्जांपल दिया था, ये देख रहे हो गाइस COOH। अब मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है इसको हमने डिसोसिएट कर दिया। डिसोसिएट करने से क्या हुआ, ये हमारा ब्रेकडाउन हो गया, जो हमारा कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप था वो COO माइनस प्लस एस प्लस, यानी एच प्लस रिलीज कर रहा है, डेट मीन्स ये एसिडिक नेचर का है। इससे तो पता चल गया हमारा ये जो है वो एसिडिक है। अब हम बात करेंगे कितना ज्यादा एसिडिक है, ये सब हम कंपेयर करेंगे। तो गाइस वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे गाइस, और हम इसके बारे में नोटिस करें तो ये कितना ज्यादा एसिडिक है। तो जैसे कि फिनॉल में हमने देखा था, फिनॉल में क्या था कि जो OH ग्रुप ऊपर जो थे वो माइनस चार्ज जो था उसके पास, वो पूरा रोटेशन हो रहा था बेंजीन रिंग में, जिसकी वजह से वो बेंजीन रिंग क्या करता है, वो डीलोकलाइज कर लेता है इलेक्ट्रॉन का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये जो O- आप देख रहे हो ना गाइस, ये डायरेक्ट बेंजीन से बल्कि डायरेक्ट जो कंपाउंड अटैच होना चाहिए कार्बन के ऊपर होता, तब ऐसा हो सकता था, बट ऑक्सीजन के ऊपर है। यानी अगर मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूँ तो आप यहाँ पे समझ सकते हो गाइस, ये जो हम आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है गाइस, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो गया। अब जो हमारा ऊपर वाला ये कार्बन होता है ना, इसके ऊपर डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन होता है और सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या होता है ना कि ये जो
कार्बन है ना, इसके साथ जो एटम अटैच होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा डायरेक्ट दे करके और डिलोकलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे बेंजीन रिंग में, बट यहाँ पे ओ माइनस के पास है और ये नहीं हो पाता है, यानी ये अंदर नहीं जा पाता है, तो क्या करता है ये क्या करता है इसको देता है इस ऑक्सीजन को और यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो यहीं पे आपस में ही ये लोग शेयरिंग करने लग जाते हैं इस नेगेटिव चार्ज को। सो क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं वो सब मैं आपको बता देता हूं, और गाइस ये माइंड में हमेशा ध्यान रखना, जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना उतनी ज्यादा हमारी एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। सो आगे हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड में, बट इसके अंदर जो पॉइंट्स लिखना वो मैं आपको लिख करके शो कर देता हूँ जो भी मैंने अब तक बोला वो सब। सो पहले मैं इसको, सो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो जो पॉइंट लिखा है वो सब मैंने आपको बता दिया है। वो कंपाउंड जो H+ आयन को रिलीज करे वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और एरोमेटिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये डिसोशिएट होने के बाद H+ में तो ब्रेक डाउन होते ही है और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। और कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो ये गैस बेंजोएट आयन है ना, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वैसे उतनी ज्यादा जो हमारी बेंजोइक एसिड है वो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो बेंजोएट आयन इज स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल होता है, स्टेबल क्यों होता है बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज है वो शेयरिंग तो कर ही रहा है चाहे वो ऑक्सीजन के साथ करें, बट उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर का है। सो और हम देखते हैं कि अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पुट करें तब क्या यहाँ पे होगा कि इसकी स्टेबिलिटी ऐसी ही रहेगी या फिर चेंज होगी, तो वो हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। तो हम लोग पहले इसको रफ कर देते हैं और फिर समझते हैं अच्छे से और भी। तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड, यानी एरोमेटिक एसिड के ऊपर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पुट करेंगे तो उसके एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो जनरल सी बात है, मैंने आपको एवरी वीडियो में यानी लास्ट के टू लेक्चर्स हुए हैं उनमें आपको मैंने बताया कि जो एसिडिटी होता है या बेसिसिटी होता है ये दो ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट से इफेक्ट होते हैं। तो वो कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं अगर हम बात करें तो ये होते हैं प्लस आई जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं हम लोग इसको, या सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं अगर आपको बोलना है तो। सो अगर वही दूसरी तरफ माइनस आई, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी विड्रॉ कर रहा है यानी ले रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। सो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ गाइस, तो ये दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे एरोमेटिक एसिड पे अटैच है दैट मीन्स वो अफेक्ट कर रहे हैं उसकी एसिडिटी को। कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो अगर प्लस आई अगर अटैच्ड है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो डोनेट का मतलब क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है गाइस। तो इस प्रेजेंस में क्या होगा, इसके प्रेजेंस में, तो यहां पे लिख देता हूं प्रेजेंस, तो प्लस आई के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो हमारा एरोमेटिक एसिड है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एरोमेटिक एसिड कंटेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी। उसके बाद क्या होगा ना कि ये इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है उसको इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है वो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। यहां पे हमारा ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, COO बेंजोएट आयन है, बेंजोएट आयन पे तो देखना है बेंजोएट आयन। अब क्या हो रहा है कि यहां पे मैंने ज्वाइन कर दिया किसको, ईडीजी को, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है ईडीजी, वो मैं आपको मैं समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो ईडीजी के एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्काइल हैलाइड में से आप कोई सा भी ले सकते हो, सो ईडीजी ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे ओ माइनस के पास और ज्यादा जो इसके नेगेटिव चार्ज देख रहे हो ना इसका और बढ़ जाएगा डेंसिटी, यानी इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी को, यानी एक तो वो ऐसे इतनी मुश्किल से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग चल रहा था, बट यहाँ पे और भी इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या कर दिया उसको एकदम मतलब कि कम स्टेबल कर दिया, लेस स्टेबल हम बोल सकते हैं, मेक लेस स्टेबल ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद क्या करता है कि अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो यहाँ पे आप गाइस अल्काइल हैलाइड लिख सकते हो, अल्काइल हैलाइड, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है और वो कम हो जाता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो हमारा एरोमेटिक एसिड्स है, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता, एरोमेटिक एसिड कंटेन करेगा क्या, कंटेन EWZ, उस टाइम पे क्या होगा जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा था तो ये डिक्रीज कर देगा। वाई डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, जिसकी वजह से ये लेने की जगह ना ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके पास जाएगा, ये खींचेगा यानी विड्रॉ कर रहा है, ले रहा है, तो डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जिसकी वजह से ये इसकी एसिडिटी भी इंक्रीज होगी, यानी एसिडिटी इंक्रीजेस, यानी स्टेबिलिटी बेंजोएट आयन की और बढ़ रही है ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिटी भी कम होगी, यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊं EWG जी के कंपाउंड्स की, तो यहाँ पे आप गाइस हेलोजेंस को लिख सकते हो, जो कि आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो ये दो पॉइंट कवर अप हो चुके हैं, और पॉइंट्स आपको मैं कवर अप करवाता हूँ वन बाय वन, जो कि है बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में पूछा गया, वो भी 7 मार्क्स में, तो एकदम सिंपल वे में बताऊंगा। अगर आपको मतलब उसके वीडियो देखना हो ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, हमने पूरा सब्जेक्ट कवर कर रखा है, यूनिट 5 का लेक्चर्स कुछ बचे हुए हैं बस, बाकी यूनिट 4 तक कंप्लीटेड है अच्छे से, सो वहां पे आप जाकर के बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो बेंजोइक एसिड के बारे में, बट मैं एकदम आपको सिंपल बता रहा हूँ एकदम इजी वे में, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो और इजिली बता सको बेंजोइक एसिड को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या लिखना है इसमें, तो वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले पूछा गया था कि बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में हमें मालूम है जो हमारा बेंजोइक एसिड क्या है, एरोमेटिक एसिड है, जिसमें एक हाइड्रोजन हट के यानी रिप्लेस होता है कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो नॉर्मल वो हम लिख लेंगे इसके बारे में। और इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में मैं आपको मतलब कि ये सब स्ट्रक्चर आपको बना देना है, COOH, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग गाइस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O H, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बेंजोइक एसिड ही तो है ये सब। और भी अगर अच्छे से स्ट्रक्चर इसको लिखना हो तो गाइस आप ऐसे कर सकते हो उसके स्ट्रक्चर को, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड फिक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे, डबल बॉन्ड ओ और H। सो गाइस ये तीन स्ट्रक्चर हो गए, अब इसके बारे में जो लिखना मैं लिख करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो गाइस ये आप सिंपल डेफिनेशन में लिख सकते हो, और 2 मार्क्स में है तब भी लिख सकते हो आप ये। और हम बात कर रहे हैं अब इसके प्रिपरेशन, प्रिपरेशन भी बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन। सो मैं यहाँ पे टॉपिक पहले डालना चाहूंगा इसका, हम लोग बात कर रहे हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में, बहुत ही सिंपल वे में गाइस मैं आपको समझाऊंगा इसका प्रिपेयर करने का, बहुत सारे मेथड्स है, बट हम ज्यादा मेथड्स पर नहीं जाएंगे, कुछ ही मेथड्स देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम लोग इसको अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं गाइस, उनको जो कि कंटेन करते हो एलिफेटिक साइड चेन, और तो हम उनको अगर रिएक्ट करवाते हैं, जैसे गाइस मैं अगर आपको एक सिंपल से एग्जांपल मैं बता देता हूं, ये हमारा, हमें क्या लेना है,
एरोमेटिक कंपाउंड से लेने हैं। एरोमेटिक कंपाउंड मैंने ले लिया यहाँ पे। अब ये कंटेन करने चाहिए क्या, एलिफेटिक साइड चेन। तो एलिफेटिक साइड चेन मतलब यहाँ पे मैंने ऊपर में CH3 मिथेन ले लिया, यानी एलिफेटिक साइड चेन, यानी यहाँ पे एक कंटेन करना चाहिए हमारा कंपाउंड। सो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, डाइल्यूट KMnO4 ले सकते हैं, या फिर हमें दूसरा कुछ चाहिए हमें तो पोटेशियम क्रोमेट भी ले सकते हैं हम लोग। तो गाइस कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल वे में लिख देता हूँ, मार्कर भी नहीं चल रहा, वेट गाइस। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया जो कि कंटेन करता है हमारे एलिफेटिक साइड चेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, उसके बाद सिंपल से यहाँ पे जो मैंने बताया है कि डाइल्यूट KMnO4 या फिर K2CrO4, तो डाइल्यूट KMnO4 या फिर आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे KMnO4 ले लिया डाइल्यूट में। और गाइस इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कर दिया, जो हमारा प्रोडक्ट में मिलेगा वो हमारा इजली बेंजोइक एसिड है। सो यहाँ पे भी सेम हमने ऐसे ही किया, और सेम यही इसी के प्रेजेंस में करवाया, डाइल्यूट KMnO4 या K2CrO4 के प्रेजेंस में, और हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, देखा गाइस बहुत ही सिंपल है, और इजीली आपको गाइस कंप्लीट जो है मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप बिल्कुल ऐसे करोगे तो। और गाइस हम लोग, हाँ इसकी प्रॉपर्टीज भी हमें डिस्कस करनी है, तो एक और मैं मेथड बता देता हूँ इसके प्रिपरेशन करने का। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन तो हो गया, वही अगर मैं हम लोग हाइड्रोलिसिस करके फॉर्म करें कार्बोक्सिलिक एसिड को, बल्कि बेंजोइक एसिड को, तो कैसे करेंगे, हमें बेंजोइक एसिड की तो प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोलिसिस करके, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोबेंजीन। अब जो साइनोबेंजीन कुछ नहीं, बेंजीन रिंग फॉर्म करो, और साइनो यानी CN, साइनाइड लगा देना, यानी CN मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना बेंजीन रिंग। सो ये हो गया हमारा साइनोबेंजीन, हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट मींस H2O, और यहाँ पे हो गया हमारा अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस के लिए हमें बहुत ही सिंपल है गाइस, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म, बेंजोइक एसिड फॉर्म हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा के। और यहाँ पे जो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जैसे कि आप ये देख ही सकते हो, और यहाँ पे प्रेजेंस होता है NH3 का, और यहाँ पे ये निकल जाता है NH3। सो अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें, तो प्रॉपर्टीज में आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो ये हो गया प्रिपरेशन के बारे में पॉइंट्स, अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे इसके, और इसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन करके और टॉपिक खत्म। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखू मैं, तो दोनों इजीली मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा बेंजोइक एसिड है गाइस, ये कलरलेस सॉलिड होता है पहला, तो कलरलेस सॉलिड। और गाइस ये जो है हमारा, अगर हम वाटर में इसको डिजोल्व करना चाहेंगे तो स्लाइटली सॉल्युबल होगा, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बट कंप्लीटली सॉल्युबल की बात करें तो, बट कंप्लीटली मिसिबल बोल सकते हैं आप, यानी सॉल्युबल, यहां पे सॉल्युबल ही लिख देता हूं, कंप्लीटली सॉल्युबल इन बेंजीन या फिर ईथर एक्सेट्रा। सो और इसके बारे में और पॉइंट्स बात करें, तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया इसके बारे में, और जो हमें मालूम है इसके बारे में वो है एसिडिक इन नेचर का होता है ये, तो ये इसके प्रॉपर्टीज में आप गाइस लिख सकते हो। और हम लोग कंपेयर करें अगर बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड का, तो बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एसिटिक एसिड से, तो
तो ये हो गया कुछ प्रॉपर्टीज इसके बारे में. अब हम लोग इम्पोर्टेंट रिएक्शन दे करके टॉपिक को खत्म करते हैं. सो कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो हमने पढ़ रखे हैं वैसे तो, बट वो हमने अलग वे में पढ़े थे यहाँ पे. सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, शो कर देता हूँ जो हमने पढ़े थे. हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, वही टॉपिक्स यहाँ पे भी रिपीट करना है बट बेंजोइक एसिड के साथ. तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ, इम्पोर्टेंट रिएक्शन. फर्स्ट डाल देता हूं मैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. अब हाइड्रोजनेशन बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको गाइस पहले भी वीडियो में बता रखा है. हाइड्रोजनेशन मैंने लिख दिया, सॉरी ये हाइड्रोजनेशन नहीं होगा गाइस, ये हैलोजनेशन होगा. मैं वही सीएल एटम ले रहा था. मैंने आपको गाइस ये पढ़ा रखा है हैलोजनेशन. हैलोजनेशन में हम क्या करते थे गाइस, जो हमारा हैलोजन होता था उसको हम लोग रिएक्ट करवाते थे किससे, तो बेंजीन रिंग से पिछले बार करवाया था, बट इस बार हमें बेंजोइक एसिड देख रहे हैं तो बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है. और हैलोजनेशन में पिछले बार जो हम लोग कैटलिस्ट लिए थे ल्यूस एसिड, वही लेंगे. FeCl3 सब कुछ वही होगा, बस प्रोडक्ट जो है वो उसमें चेंजेस होगा थोड़ा, बाकी एवरीथिंग वही होगा. और यहाँ पे हम लोग बेंजोइक एसिड लेके कर रहे हैं, तो बेंजोइक एसिड में यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया COOH. और यहाँ पे हमने पिछली बार जैसा Cl2 लिया था, पिछले बार हमने मैकेनिज्म पढ़ा था बट वो यहाँ पे वो सब नहीं बताना है. यहाँ पे डायरेक्ट हमें रिएक्शन चाहिए, तो रिएक्शन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूस एसिड कैटलिस्ट FeCl3. देन डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया हमारा. और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा गाइस उस, ये तो यहाँ पे आ गया COOH और यहाँ पे आ गया क्लोरीन. अब ये क्लोरीन जो है वो पोजीशन अगर हम देखें तो थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हो गया 3-chloro बेंजोइक एसिड. बहुत ही सिंपल है गाइस. और यहाँ पे जो हमारा एक H और एक Cl निकलेगा, तो यहाँ पे HCl तो यहाँ पे लिखा दिया, क्योंकि यहाँ से एक H और एक Cl, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होता है तो वो हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर करके आता है. वो हमने मैकेनिज्म में गाइस देखा था, इसलिए मैं उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट आपको मैं रिएक्शन प्रोवाइड करवा रहा हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट यूनिट के आपको सेक्शन में मिल जाएगा, उसके बारे में मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के. नाइट्रेशन रिएक्शन. अब नाइट्रेशन रिएक्शन में बिल्कुल जैसा मैंने पिछली बार करवाया था बिल्कुल वैसे ही मैं फिर से करवा रहा हूँ. पिछली बार भी मैंने लिया था नाइट्रिक एसिड को, इस बार भी नाइट्रिक एसिड ही लूंगा, यानी HNO3. तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ बेंजोइक एसिड, और HNO3 लिया था पिछली बार भी, इस बार भी वही लेना है. और पिछली बार भी मैंने लिया था कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4. और इन दोनों का रिएक्ट करवाने पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे COOH और यहाँ पे SO3H. यानी ये गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछली बार तो कुछ और फॉर्म हुआ था बट इस बार जो फॉर्म हुआ है वो है सल्फो बेंजोइक एसिड. यानी यहाँ पे गाइस जो देख रहे हो गाइस, ये जो पोजिशन है वो है मेटा, तो इसको हम बोलते हैं मेटा सल्फो बेंजोइक. ओ सॉरी गाइस मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया. यहाँ पे HNO3 हमने लिया था, सो यहाँ पे HNO3 लिया था, तो गाइस यहाँ पे तो NO2 आएगा. ओ मिस्टेक कर दिया. सो और यहाँ से एक H2O, तो यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है. सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना गाइस, वो फॉर्म हो रहा है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड. ध्यान से देखा नहीं मैंने. सो ये तो हो गया नाइट्रेशन रिएक्शन. अब हम जो लास्ट रिएक्शन देखेंगे वो होगा हमारा सल्फोनिक यानी सल्फोनेशन रिएक्शन, यानी वहां पे ये फॉर्म होगा प्रोडक्ट. सो स्टार्ट करते हैं उस थर्ड रिएक्शन को. और थर्ड रिएक्शन था हमारा कौन सा, सल्फोनेशन रिएक्शन हम उसको बोलते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन. सो मैं यहाँ पे अगेन बेंजोइक एसिड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ,
और यहाँ पे COOH। अब सल्फोनेशन में क्या करते थे, कुछ नहीं करना था, इसमें भी सेम टू सेम वैसे कर देना, सल्फोरिक एसिड के साथ कर देना, इसलिए मैं थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज हो गया था। सो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊ तो यहाँ पे हमारा COOH और यहाँ पे SO3H आके जुड़ गया। तो यहाँ पे जो हमारा पोजीशन है वो मेटा पोजीशन है, और मेटा पोजीशन पे सल्फो बेंजोइक एसिड फॉर्म हुआ प्लस S2O। ये जितने भी होते हैं ये सब एसिड होते हैं, इसलिए यहाँ पे सल्फोनिक ओइक एसिड, लास्ट में ओइक लगा रहा हूँ गाइस, बेंजोइक एसिड इस वजह से। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।